आपका जो गलतान इनका समर्थन करके ऐसे लोग देश आप देशद्रोही ये संस्कार लेना चाहते हो क्या चलो बाबू कैसे बलात्कारी करते ये शिक्षा लेना चाहते हो तुमने 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 किससे जन्म लिया तुमने किससे जन्म लिया तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है हैं जो इस तरह की बातें करते हो तुम मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ मैं देखो 10 साल पहले 2013 मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता था संत आताराम बाबू जी से ठीक है ना मेरे घर वालों ने कुछ ले रखी है मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने भी ले रखी है उनका उनका जो वातावरण उनका चेंज जीवन में जो है उससे मैं प्रभावित हूँ ठीक है ना और मैंने मैं लेना चाहता हूँ मैं इनके आश्रम में जाता हूँ कहते हैं क्या कहते हैं वहाँ जाओ उसको कहते हैं अंधभक्त मैं पूरे साइंटिफिकली ठीक है ना विद मेजरमेंट ऑफ केस स्टडी एंड विद द साइंस ऑफ द ओरल ओरा जो होती है ना किसी मनुष्य की ठीक है ना हाँ ओरा की जो बात होती है उसकी बातों पे बात बात करने के बाद सारे सबूत और गवाहों के मतलब देखने के बाद उनके केस को स्टडी करने के बाद आज मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद सनातन संस्कृति आखिर आप मुझे बताएं सनातन संस्कृति होती क्या आप यहाँ पे पोस्टर पे लिखवा के लाए सनातन संस्कृति तो यह बताएं सनातन संस्कृति आखिर होता क्या है ये सब सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये सब सनातन को बदनाम करने का काम रहे ऐसे आसाराम को तो सीधा गोली मार देना चाहिए नहीं बना रहे नहीं बना रहे हम गोली मार देने की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को सरकार कर देने की बात कर रही है हमारे धर्म हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं हमारा नाम कुलदीप यादव है और भरी सभा में कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए बचाने का काम किया था हर जगह यादवों ने नारी का सम्मान रक्षा किया है ऐसे लोग धर्म गुरु बनेंगे ऐसे लोग धर्म गुरु बनेंगे ये दोस्त ये देश में ऐसे लोग जो है कलंक है ये कलंक भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होता मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ मैं देखो 10 साल पहले 2013 मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता था संत आताराम बाबू जी से ठीक है ना मेरे घर वालों ने कुछ ले रखी है मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने भी ले रखी है उनका उनका जो वातावरण उनका चेंज जीवन में जो है उससे मैं प्रभावित हूँ ठीक है ना और मैंने मैं लेना चाहता हूँ मैं इनके आश्रम में जाता हूँ कहते हैं क्या कहते हैं वहाँ जाओ वो कहते हैं पहले संस्कार दीक्षा संस्कार दीक्षा क्या संस्कार क्या संस्कार लेना चाहते हो ये संस्कार लेना चाहते हो ये संस्कार लेना चाहते हो क्या चलो बाबू कैसे बलात्कारी करते ये शिक्षा लेना चाहते हो तुमने 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 किससे जन्म लिया तुमने किससे जन्म लिया तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है जो इस तरह की बातें करते हो तुम गलत बात करते हैं ये आप कर रहे हो गलत बात उनका समर्थन करके ऐसे लोग देश आप देशद्रोही हो चश्मा उतारिए आप ये भक्ति थोड़ा शांति पीछे की वजह से बढ़ावा मिलता है इन रेपिस्टों को आप ऐसा है ना देखो अब आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे आप बीच में नहीं बोलना है एक एक करके इनकी पूरी बात तो सामने आप पूछिए पहले आपके क्या कहते हैं आप ये बोलो कि इनका समर्थन क्यों कर रहे हो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं आप अरे समर्थन नहीं आप तो भक्ति में लोटे हो भाई अरे नहीं भैया पहले तो मैं बता दूं मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ क्यों दीक्षा लेना चाह रहे हो क्यों क्योंकि मैंने जो उनसे लोगों ने दीक्षा ली है उनके जीवन में परिवर्तन हुए अच्छा लग रहा है मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी जो है क्या परिवर्तन हो गए उनकी जिंदगी में आशाराम बापू जो है उनपे जो गंभीर आरोप लगे हैं गंभीर आरोप लगे
सारे फेल है, सारे फेल है, ये बताइए सारे फेल है। इधर देख लीजिए कोर्ट की है, ये हेयरिंग सुन लीजिए, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बड़े क्यों नहीं हुए बाबा जी, दूध तो ले लो ना, वही तो कह रहा हूँ। देखो अब, देखो अब आपका प्रश्न है, बच्ची को बचाने के लिए पहले आप ऐसे रेपिस्टों का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले क्या है कि जो लड़की है ना, सबसे पहले लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। किसी भी लड़की को न्याय कम मिलेगा, कम मिलेगा जब किसी लड़की को न्याय मिलता है, तभी उसको न्याय मिलता है। क्या सोचेंगे लोग यार, मैं देश आगे जा कहां रहा है। हम 10 साल हो गए इस बात को देखते देखते, ठीक है ना। आप 10 साल के अंदर अपराधी बन रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अपराधी नहीं होता है ना, न्याय न्याय में देरी भी लगता है। आप बाबू के आश्रम से प्रसाद पाए हो, आप नहीं आइए करना चाहते हो। हम इनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आसाराम बाबू के मानने वाले हैं, तो ये बहनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। ये जो धरने पे बैठी है ना, हमारा प्रश्न का उत्तर, इन बेटियों के लिए क्या करना चाहते हैं। इनका केस बिल्कुल सच्चा है, ठीक है ना। नहीं, इनका केस बिल्कुल सच्चा है। हम 13 तारीख को इनके लिए आए थे यहाँ पे प्रदर्शन करने, ठीक है ना। इनके साथ पूरी हमने बात कही है कि आपको जिस तरीके से आप क्या कहते हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो गलत है। आपके कहने से नहीं होता है ना, आपको मैं तो फैक्ट मानता हूँ, फैक्ट मानता हूँ। आप गलत ठहरा रहे हो। कौन सा कोर्ट, कौन सा कोर्ट, कोर्ट के फैसले से कौन सा कोर्ट हुई है। हाँ जो, हाँ उससे आगे भी कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट कोई जो है, कोई भी जो है ना, जब तक न्याय जब तक पूरा नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा क्या उनके। भाई न्याय तो न्याय है, वो किसी भी कोर्ट से मिले। हाँ तो आप कैसे कहते थे जब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलते तब तक हम नहीं मानेंगे। देखो मैडम, आप कोई न्याय का कोई यहाँ फैसला पढ़ते हो, पहले कोई जब कोई फैसला पढ़ते आपको क्या बाबूजी कुछ पैसे वैसे दिए है ये यहाँ पे अगर कैसे मिला है बाबू जी पैसा मिला। मैं कम से कम 10 करोड़ रुपया मिलेगा मेरे को, भगवान देंगे। कैसे भगवान के लिए हमारे बात कर लेना। घर परिवार वाले क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में यार। आप सोचेंगे मैं अपने घर वालों के बारे में। अच्छा अच्छा ये बताइए, सुनिए 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 मैं तो फिर बागेश्वर के बारे में भाषणबाजी करके चला जाए। बागेश्वर के बारे में क्या राय रखते हो, बागेश्वर के बारे में। वो अभी जो चमत्कार दिखा रहे हैं, अरे भैया मेरे को ये बताइए, जो वो चमत्कार चमत्कार दिखाया भैया, आप इनसे बात कर लो ना। चमत्कार दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं चमत्कार दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अरे यार 2 मिनट हाँ जी देखो, आपको जवाब देना था बाद में हम लोग। नहीं नहीं, अभी पहले भाई भी कोर्ट का फैसला आता है ना, उसके बाद पढ़ते हैं कि भाई किस वजह से क्या क्या रीजन, क्यों फैसला आया। फैसले के अंदर पढ़ा ना तो रेप का कोई चार्ज है, ठीक है ना, ना ही कोई फिजिकल असॉल्ट का कोई चार्ज है, आसाराम बापू जी के ऊपर। अच्छा, ठीक है ना, आगे आगे आप बताएं। दूसरा ना कोई वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई इसका कोई साक्ष्य है, ठीक है ना। उस बेटे को झूठ बता रहे हैं आप। अरे भैया सबूत देखो ना यार, आसाराम बापू क्या किसी का है, जेल हाई कोर्ट का, जेल में बंद है यार वो, हाई कोर्ट का फैसला है ये, नीचे वाला निचली जो जड़ी होती है सेशन कोर्ट का फैसला। सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास। सुन लो सुन लो।